मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर 13 फरवरी से 19 फरवरी तक एक विराट धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 12 फरवरी को धाम पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया जाएगा। 13 फरवरी को देश के प्रख्यात संत श्याम सुंदर पारासर, संत बालक योगेश्वर दास, संत राघवाचार्य जी का आगमन होगा। ये तीनों संत धाम पर अपने प्रवचन देंगे। इसके साथ ही शाम के समय देश के भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा की भजन संध्या का आयोजन होगा। 14 फरवरी को मंगलवार की पेशी का दिव्य दरबार आयोजित होगा और फिर इंद्रेश जी महाराज के प्रवचनों का आयोजन होगा। 15 फरवरी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बालाजी का दिव्य दरबार आयोजित होगा, जिसमें बगैर टोकन के लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा 15 फरवरी को ही देश के प्रख्यात आयुर्वेद आचार्य श्री बालकृष्ण जी भी यहां पहुंचेंगे और आयुर्वेद पर व्याख्यान देंगे। इसके अलावा वृंदावन के प्रख्यात संत ज्ञानानंद जी महाराज के प्रवचन भी 15 फरवरी को होंगे। 16 फरवरी को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक बार फिर दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के भजन गायक और सांसद मनोज तिवारी की भजन संध्या का आयोजन होगा। 16 फरवरी की शाम ही यहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। 17 फरवरी को नियमित कार्यक्रमों की तरह हनुमत कथा और रासलीला का आयोजन होगा, तो वहीं संध्या के समय भजन संध्या का आयोजन होगा। 18 फरवरी को 121 निर्धन बेटियों का विवाह आयोजित किया जाएगा और इसी शाम चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या का आयोजन भी होगा। 19 फरवरी को बुंदेलखंड के प्रख्यात भजन गायक खनिज देव चौहान की भजन संध्या का आयोजन होगा। ये तो हुए प्रतिदिन के हिसाब से कार्यक्रम, लेकिन धाम पर चलने वाले इस विराट धार्मिक महोत्सव के अंतर्गत कुछ आयोजन हैं जो नियमित रूप से चलेंगे। जैसे कि देश के प्रख्यात संत मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारविंद से 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक प्रतिदिन हनुमत कथा कही जाएगी। इसके साथ ही 13 फरवरी से 19 फरवरी तक राष्ट्रपति से सम्मानित श्री राम शर्मा की वृंदावन की मंडली के द्वारा रासलीला का आयोजन भी होगा। धाम पर आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि ये विराट धार्मिक महोत्सव विश्व कल्याण और हिंदू भारत राष्ट्र के निर्माण की मनोकामना के लिए किया जा रहा है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेसहारा, वंचित, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को बागेश्वर मंडल चुनकर, उनके जो फार्म आते, आवेदन आते, उनको चुन करके जो वास्तविक पात्र हैं, ऐसी बेटियों का पाणिग्रहण संस्कार उपहार व्यवस्था सहित, समुचित व्यवस्था सहित पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया जाता है। इस वर्ष भी यह चौथा वर्ष है, चतुर्थ वर्ष भी बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की इस भूमि पर, आज तारीख 12 है, आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ और इस दास की तुच्छ सी गिलहरी की भूमिका के साथ यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। यह समूचे कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि महात्मा, जिनके तपोबल, जिनकी साधना और जिनकी वाणी की क्रांति से वर्तमान और पूर्व के समय से आदिकाल तक सनातन धर्म रक्षार्थ है और रक्षित सुरक्षित रहेगा, ऐसे अनेक संतों का पावन आगमन भी बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें प्रमुख रूप से गौ क्रांति लाने वाले परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित मलूक पीठाधीश्वर
पूज्य पाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा पर चर्चा करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिवस के अंतर्गत हैं, जिसमें प्रतिदिन कथा का प्रवचन, कल से ही कथा प्रारंभ होगी। कल हमारे बागेश्वर धाम पर भागवत के मर्मज्ञ बहुत ही सहज वक्ता भारत के परम पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी महाराज यहां पर कथा करने के लिए एक दिवस के लिए पधारेंगे। परसों 14 फरवरी को हमारे अनुज वाणी के एकदम अद्भुत वक्ता और संगीत मानो उनके कंठ पर विराजमान हो, पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी 14 फरवरी को एक दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए पधारेंगे। साथ में कल ही भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी भी संध्या के समय अपनी वाणी से श्री हनुमान जी को रिझाने का कार्य करेंगे। मध्य में संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण हम क्रमानुसार आप सबको दे देते हैं, जिसमें 13 फरवरी से 19 फरवरी तक के आयोजन में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत रासलीला, पंडित श्री राम शर्मा जी की वृंदावन की रासलीला का चित्रण भी, भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के इस चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव में होगा। समूचे कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के संतों के साथ 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। 14 फरवरी का दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। दिनांक 15 फरवरी में बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार बिना टोकन नंबर का प्रारंभ होगा, जो 15 फरवरी और 16 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर लगेगा। लेकिन 15 फरवरी एक विशेष होगी बागेश्वर धाम के लिए। जिस दिन दरबार प्रारंभ होगा तो दरबार कृपा और दुआ की स्थान पर रहेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा आर्यवैदिक परंपरा को समूचे भारत के कोने के साथ साथ विश्व में पहुंचाने वाले, योग से जोड़ने वाले हमारे बड़े भैया, बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मा पंडित श्री पूज्य श्री बाल कृष्ण जी महाराज 15 तारीख को दुआ और दबा दोनों का संयोग आप बागेश्वर धाम पर देखेंगे। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो तारीख आएगी 16 फरवरी को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगेगा और दरबार के साथ साथ जब कृपा से लोग अभिभूत हो जाएंगे, भर जाएंगे, तब उनको फिर झूमने का मन करेगा तो पंडित श्री मनोज तिवारी जी द्वारा भजन संध्या करके उन सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए आप निमग्न देखेंगे। और जब निमग्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति भगवान की दरबार की कृपा पाकर नाच करके निमग्न होगा तो उसकी वाणी से निश्चित है वेदांग झलकेगा, बहेगा। तो फिर रात्रि की 16 तारीख जब पड़ेगी और 16 तारीख को रात्रि में प्राचीन वेदांग थोड़ा हास्यपुट भी, थोड़ा करुण भी, थोड़ा वीर रस भी, तो कवि सम्मेलन के माध्यम से इन सभी रसों का दर्शन भी यहां पर हम आप सब 16 फरवरी को करेंगे। तारीख बदल जाएगी, रात बहुत हो जाएगी और फरवरी की तारीख लग जाएगी 17 फरवरी को परम पूज्य अद्भुत महापुरुष अयोध्या के जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज यहां पर अपने दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देने के साथ साथ परम पूज्य राघवाचार्य जी के उद्बोधन भी होगा और हनुमंत कथा का एवं रासलीला का दर्शन भी होगा।
16 तारीख में एक बात जोड़ना चूक गए थे, उसको हम पुनः वापस करके कहते हैं। 16 फरवरी को बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम बालाजी की ही तरह बहुत से लोग मानते हैं, एक है तीर्थ पंडोखर धाम, वहां के पीठाधीश्वर जो कि हमारे बड़े भाई हैं पंडित श्री गुरु शरण शर्मा जी, पंडोखर महाराज सरकार भी बागेश्वर धाम पर आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए पधारेंगे। तारीख 17 फरवरी के महोत्सव के बाद बढ़ती हुई पहुंच जाएगी उस तारीख जिसका इंतजार 121 बेटियों का परिवार और 121 बारात कर रही होगी। वो तारीख होगी 18 फरवरी और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। अब वो पूरा दिन अद्भुत होगा, उसमें महापुरुष भी होंगे, संत भी होंगे, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी विराजमान होंगे, जगत गुरु पूज्य बल्लभाचार्य जी महाराज जी भी विराजमान होंगे, पूज्यपाद श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी विराजमान होंगे उस आयोजन में, और भी अनेक महापुरुष जिनका हम नाम नहीं ले पाए वह भी पधारेंगे आशीर्वाद देने, पूज्य श्री दंदरुआ वाले महाराज जी, पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी पधारेंगे, क्षेत्रीय महापुरुष भी सब पधारेंगे और उन बेटियों को आशीर्वाद देंगे, मंगल कामना करेंगे और 18 फरवरी का दिन बड़ा अद्भुत तरीके से व्यतीत होगा, लेकिन शाम विदाई का होगा और रात्रि काल में, लेकिन उस विदाई को थोड़ा सा उस माहौल को बदलने के लिए, मनोभाव की दशा को थोड़ा परिवर्तित ईश्वर की तरफ बदलने के लिए, क्योंकि विदा शोक का भाव प्रकट करती, उस शोक को ईश्वर से जोड़ने के लिए बेटी की दूरी की जो भावता भरी रहती उस भाव से ईश्वर को जोड़ने के लिए चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या रात्रि काल में होगी। उनकी भजन संध्या के साथ 18 फरवरी का कार्यक्रम संपन्न होगा और 19 फरवरी को पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परम गौ भक्त मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की मुखारविंद से कथा विराम होगी और बागेश्वर धाम के बहुत ही लाडले बुंदेलखंड के खनज देव चौहान खबर मुरी ले रहियो बागेश्वर गड़ा के हनुमान। इस भाव के साथ पूरे महोत्सव को वो विराम करेंगे और आयोजन विराम इसलिए होगा कि अगले साल फिर होगा और 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद प्रारंभ होगी और अगली तैयारी में अगली बात बताई जाएगी, लेकिन नव कुंडी इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारत वर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे, तो हम आपको बता दें केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। यह संपूर्ण आयोजन में यहां उपस्थित भारत के चतुर्थ स्तंभ और सत्य को प्रकाशन की सामर्थ्यता रखने वाले नारद जी की भूमिका निभाने वाले आप सभी पत्रकार महोदय, आपकी टीम, आपके बॉस, आपकी मंडली, आपका फ्रेंड सर्कल और आपके एडिटर, वीडियो बनाने वाले, कैमरामैन, पीछे से और भी कुछ लोग होते जो फोन पर आपके साथ होते हैं, उन सबको हमारा सादर आमंत्रण है जो भाव पूर्वक आप दास का आमंत्रण स्वीकार करें। तो आप सब भी इस आयोजन में पधारें। एक छोटा सा स्पर्श हम करेंगे, राजपीठ से भी जगह जगह से राजपीठ के लोग भी बागेश्वर धाम पर आए हैं, आएंगे, सभी पधारेंगे और
बागेश्वर धाम पर जो आए सबका स्वागत।